हेलो गाइस, आज हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंस्टाग्राम थीम्स नॉट रिप्लाई। जी हाँ दोस्तों, आपको रिप्लाई और थीम्स में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। आपने काफ़ी सारी वीडियोस भी देख लिए तब भी आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा है, तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे। कि आपका थीम्स और मैसेज का ऑप्शन आ रहा है, फेसबुक मैसेंजर का ऑप्शन नहीं आ रहा है। जैसे साइड में यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक तीर का ऑप्शन दिखाई देता है, यहाँ पर जहाँ मैसेज है तो मैसेज देख रहे हैं आप। वहाँ पर अगर आपके तीर का ऑप्शन तो थोड़ा मैसेज का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपका प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम है। और जो आपको इस टाइप में दिख रहा है फेसबुक मैसेंजर के टाइप में, तो उसका कोई ग्लिच नहीं है। वो थोड़ा बहुत ग्लिच होगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर तीर का ऑप्शन आ रहा है तो उसे कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ पर आपको जैसे मैं फेसबुक मैसेंजर ओपन करके दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पर सेंड में आपको रिप्लाई में भी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। जैसे स्वाइप रिप्लाई में आपको यहाँ पर देख सकते हैं, स्वाइप रिप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर टाइप करके भी आप रिप्लाई कर सकते हैं। और आपका नहीं हो रहा है स्वाइप रिप्लाई फेसबुक मैसेंजर के द्वारा, जैसे फेसबुक मैसेंजर में आप ट्राई करते होंगे स्वाइप रिप्लाई देकर, उसी प्रकार आप थीम्स और स्वाइप रिप्लाई कर सकते हैं। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर आपको अपने अकाउंट पर जाना है। एंड यहाँ पर आपको थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद आपको यहाँ पर प्राइवेसी दिख रहा है, प्राइवेसी में आपको नीचे के साइड में चले आना है। मैसेज में आपको क्या करना है, तो मैसेज में आपको अदर ओन इंस्टाग्राम, जैसे कोई रिक्वेस्ट भेजता है तो उसमें रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है। तो यहाँ पर अगर आपने इंस्टाग्राम और फेसबुक को कनेक्ट नहीं किया है तो आपको एक ऑप्शन शो होगा जो एडेड फेसबुक अकाउंट की तरह होगा। तो मैंने वीडियो की इन्फॉर्मेशन को फुल्ली नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरा भी कोई भी ग्लिच नहीं है। तो यहाँ पर एडेड फेसबुक अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको एडेड फेसबुक अकाउंट पर क्लिक करके आप फेसबुक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो आप बैक आकर यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं अकाउंट सेंटर। अकाउंट सेंटर पर जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको एडेड अकाउंट, सॉरी ये सेकंड प्रोफाइल आपका ऐड होगा। यहाँ पर देख सकते हैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर अकाउंट सरा। तो यहाँ पर आपको शेयरिंग अक्रोल लॉग इन अदर अकाउंट, इसमें आपको अकाउंट दिख रहा होगा, तो अकाउंट में देख सकते हैं प्रियंका मिश्रा एंड पेज, एंड देख सकते हैं यहाँ पर आपको ऐड अकाउंट कर देना है। ऐड अकाउंट करने के बाद आपको फिर से क्लियर करके पेज, उसके बाद फिर से आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको मैसेज का ऑप्शन दिख जाएगा, 100% मैं बता रहा हूँ। एंड ऐसा नहीं है कि मैंने एक बंदे का प्रॉब्लम सॉल्व भी किया था तब मैं इस वीडियो की पकड़ पाया हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा सेकंड अकाउंट भी है, आप यहाँ पर आकर फॉलो कर सकते हैं। सॉरी, फर्स्ट अकाउंट है, मेरा पर्सनल अकाउंट है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और कर लेना है, जो कि अगर आपका सॉल्व नहीं होता है तो यहाँ पर स्विच करके दिखा देता हूँ फिर से मैं। स्विच करने के बाद यहाँ पर थ्री लाइन पर चले जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद आपको अकाउंट पर जाना है। अकाउंट पर स्विच टू प्रोफेशनल मोड, तो इसको आपको ऑन कर लेना है। उसके बाद आपका थीम्स एंड जो रिप्लाई स्वाइप रिप्लाई का ऑप्शन आता है वो भी ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी चूज कर ली है, जैसे मैं डिजिटल क्रिएटर एंड डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल। वीडियो थोड़ी लॉन्ग जाएगी लेकिन आपको 100% आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। तो आपने काफ़ी सारी वीडियोज़ भी देखी होंगी लेकिन आपका सॉल्व नहीं हो रहा है, तो अभी और भी स्टेप हैं जिसको फॉलो करने के बाद आपका एक से नहीं होता, दूसरे से नहीं होता, तीसरे से जरूर होगा। तो यहाँ पर क्रिएटर पर क्लिक करना है एंड कंटिन्यू करने के बाद आपको पेज कनेक्ट ऑलरेडी किए होंगे तो नहीं बोलेगा, नहीं तो आपको पेज कनेक्ट करने को बोलेगा, तो वहाँ पर आपको कनेक्ट कर लेना है। एंड कंप्लीट प्रोफाइल, जो कि मेरी प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो गई है, नोट नाउ एंड कैंसिल। यहाँ पर देख सकते हैं प्रोफेशनल मोड हमारा ओपन हो गया है। और एक चीज़ यहाँ से कर सकते हैं, आप प्ले स्टोर से जाकर आप इंस्टाग्राम को अपडेट करके, नहीं तो आप उससे पहले आप यहाँ पर ऐप इन्फो पर क्लिक करना है। ऐप इन्फो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको करना है डाटा यूसेज स्टोरीज यूसेज। तो यहाँ पर आपको क्लियर डाटा करने के बाद आपको प्ले स्टोर पर सर्च कर लेना है इंस्टाग्राम सर्च करने के बाद अगर आपका अपडेट आया होगा तो आप अपडेट करके आप क्लियर डाटा एंड कैच करके आप फिर से ओपन कीजिएगा, तो आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा बिना किसी फीडबैक के, जो कि आप बहुत सारा फीडबैक किए होंगे लेकिन नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो से आपकी अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी एंड वीडियो की इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत अच्छी लगी होगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, सही बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।